नमस्कार दोस्तों, मेरी पहचान के एक एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सोच समझ के हमने चूज़ किया है। आज का टॉपिक है कम्युनिटी सर्विस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। हम और आप जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी, ये सोच के कि हम किसी नोबल कॉज के लिए ये पैसा लगा रहे हैं। हम अपनी इस हार्ड एंड मनी को किसी की लाइफ को सुधारने के लिए लगाते हैं, बट क्या हम श्योर होते हैं कि ये पैसा हम सही जगह लगा रहे हैं? हमारे मन में ये सवाल तो होता ही है, और इस सवाल का जवाब हम कैसे पाएं? इसी चर्चा के दौरान आज हमारे बीच में डॉक्टर मीना महाजन हैं, हु इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, और इन्होंने बहुत ही इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आप एक बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड। यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप जान तो चुके हैं कि आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट कम्युनिटी सर्विस एंड एवरीथिंग, बट मैं जो शुरुआत करना चाहती हूँ वो इस जानकारी से कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। हम क्या पाठ पूजा, भगवत ज्ञान, इन्हीं सब को स्पिरिचुअल बोलेंगे, या देर इज मोर टू इट? थैंक यू सिमरन। आई थिंक ये एक सवाल बहुत ही अहम सवाल बन जाता है आजकल, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा भ्रम जुड़े हुए हैं लोगों के। पीपल थिंक दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ एक्चुअली जस्ट डूइंग पूजा पाठ या कुछ रिचुअल्स करना या कुछ पुराण पढ़ते रहना या एक पर्टिकुलर तरीके का लाइफस्टाइल जीना, एक पर्टिकुलर रंग के कपड़े पहनना, बहुत बहुत सारे यू नो थॉट्स जुड़े हुए हैं लोगों के स्पिरिचुअलिटी को लेकर। बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। नाउ द वर्ड स्पिरिचुअलिटी ओनली हैज़ अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिट, ओके? और स्पिरिट का मतलब एक्चुअली है सोल। एंड अगर हम उसको देखिए, हर चीज़ को अगर हम आज से जोड़ के देखना चाहें तो आज स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब बनता है? आज के वक्त, जो टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, आज के टाइम्स में स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब बनता है? मेरे हिसाब से, इन माय सो मेनी इयर्स ऑफ स्टडी, रिसर्च, प्रैक्टिस, प्रीचिंग, टीचिंग, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स हैविंग पॉजिटिव इमोशंस। स्पिरिचुअलिटी मीन्स दैट वट एवर यू डू इन लाइफ। अब देखिए, ब्रह्मांड की रचना ऐसे की है ईश्वर ने कि एक संत की भी ज़रूरत है, एक सैनिक की भी ज़रूरत है, एक पेंटर की भी ज़रूरत है, एक म्यूजिशियन की भी ज़रूरत है, एक आर्किटेक्ट भी चाहिए, एक डॉक्टर भी चाहिए, एक इंजीनियर भी चाहिए। अब सब लोग तो, अगर हम स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ भगवा रंग के कपड़े पहन के और मेडिटेशन करना या हिमालय पे चले जाना समझें तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? सो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी को अगर हम समझें और आजकल अगर हम इसको रिलेट करें, सो स्पिरिचुअलिटी मीन्स having a lot of positive emotion. Spirituality means sense of purity. Spirituality means that आप अपना जो भी काम करते हो, आप किस intention से करते हो, आपका उद्देश्य क्या है उस काम को लेके। जब हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ होता है और उद्देश्य में हमारे अपने से पहले हम दूसरे को रख के सोचते हैं, उसका हित सोचते हैं, तो आई थिंक हम स्पिरिचुअल हैं। जब हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारी आत्मा को अंदर एक अजीब सी खुशी मिले, आई थिंक वो स्पिरिचुअल होता है। अब स्पिरिचुअल बच्चा भी हो सकता है, स्पिरिचुअल एक टीनेजर भी हो सकता है, स्पिरिचुअल एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक आर्किटेक्ट भी हो सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी को हम एक दायरे में ना बंद करें कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि सिर्फ आपको बैठ के जप करना है या तप करना है या समाधि लगानी है। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप जो भी करें जिंदगी में उसका उद्देश्य पहले समझ लें कि उसका उद्देश्य सिर्फ मेरे लिए है या उद्देश्य में बाकी लोग, बाकी पूरी की पूरी सृष्टि भी शामिल है। मैंने अभी एक बात अंडरस्टैंड करी, आपने बोला कि प्योरिटी, आपके हिसाब से प्योरिटी क्या है? देखिए, प्योरिटी को भी बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब हम कर सकते हैं आध्यात्मिकता के थ्रू या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। देयर इज अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स विच सेज लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, एंड इन दैट प्योरिटी मीन्स इनोसेंस। इन दैट इट मीन्स दैट
योर जो भी आपके विचार हैं, बिकॉज देखिए आपके आपके जो कम्युनिकेशन होता है किसी के भी साथ, वो किस लेवल पे हो सकता है? वो विचारों के लेवल पे हो सकता है, वो शब्दों के लेवल पे हो सकता है, या वो एक्शन के लेवल पे हो सकता है. नाउ इन तीनों में से अगर हमारा एक्शन, हमारी थॉट, हमारे वर्ड्स अगर सिर्फ और सिर्फ दूसरे के फायदे के लिए या हित के लिए या पूरे ब्रह्मांड के हित के लिए है, आई थिंक वो प्योरिटी होती है. आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट लाइक अगेन, क्योंकि प्योरिटी में काफ़ी लोग मुझसे भी ये पूछते हैं कि प्योरिटी का मतलब क्या सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना होता है, यू नो, बिकॉज इट्स अ प्योर कलर, इट्स जस्ट गॉट दैट वाइब्रेशन अबाउट इट. एंड आई थिंक इसीलिए शायद जब हम प्योर हो जाते हैं और जब हमारी विचारधारा बहुत प्योर हो जाती है, जब हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो हम शायद सफ़ेद रंग के कपड़े की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो सिंपल होता है. प्योरिटी इज़ सिंप्लिसिटी, प्योरिटी इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशन. जैसे एक बच्चा बहुत प्योर होता है, आप बच्चे को अगर डांट भी देंगे ना तो वो थोड़े टाइम बाद बिल्कुल भूल जाएगा. सो प्योरिटी इज़ कि दिल में किसी के लिए कोई मैल ना रखना, जो बात हो गई वो हो गई, उसको छोड़ देना. जैसे एक बच्चा करता है कि अगर आप उसको डांट देते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद भूल भी जाता है कि उसको डांट पड़ी थी. तो अगर आप उसको इमीडिएटली कोई हाथ में टॉफी पकड़ा देंगे तो आंख में आंसू होंगे लेकिन हंसना शुरू कर देगा. दिस इज प्योरिटी एंड दिस इज कॉल्ड प्योर कॉन्शियंस. और प्योरिटी, इनोसेंस, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, लव, इस टाइप के जो इमोशंस हैं जब हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, तो ऐसा ऐसा हमें आभास होने लगता है कि हम एक अलग ऊर्जा पर जाना शुरू हो गए हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो गई है. और जब हम उस अलग ऊर्जा पर जाते हैं तो हमें ये जो रोज़मर्रा के जो टेंशन्स हैं और रोज़मर्रा के जो स्ट्रेस हैं और जो लड़ाई झगड़ा हम देखते हैं, वो अपने आप हमें लगता है कि इन चीज़ों में समय क्यों बर्बाद करना, यू नो. सो इट इज़ एन एक्सपीरियंस. हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी आपको सिमरन, कि जो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं, इट इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि हमारी जो भी ऑडियंसेस ये देख रहे हैं कि आप इन चीज़ों को केवल सुने ना, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें, क्योंकि बिलीफ वर्सेस फेथ का इशू है ये. आप फेथ आपको इन चीज़ों पे तभी हो पाएगा जब आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप खुद इन चीज़ों को अपना वे ऑफ लाइफ बना के इसका आभास जब आपको आना शुरू होगा, तो आपकी अपने आप इन चीज़ों के प्रति फेथ बन जाएगी. दैट्स अ वंडरफुल थिंग. मैं ये पूरा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ऑडियंस आज आप लोग के हार्ट को कितना टच कर रहा होगा ये टॉपिक, बिकॉज हम सबके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हाउ टू रीच दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट. मेरा अगला सवाल यही है मैम, प्योरिटी तो मैं जान पाई, आपने कहा कि बींग प्योर आप खुशी भी देना चाहते हैं आपका एनवायरमेंट, पर हम खुश कैसे रहें और कैसे इस खुशी को बांटें? खुशी मतलब हैप्पीनेस. हैप्पीनेस तभी आएगी जब हमारे अंदर एक कंटेंटमेंट होगी. हैप्पीनेस का मतलब आजकल की दुनिया में मैंने देखा है कि अगर कोई चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है तो मैं खुश हूँ, अगर किसी ने मेरे हिसाब से बिहेव किया तो मैं खुश हूँ, अगर मेरे घर वाले मेरे कंट्रोल में हैं तो मैं खुश हूँ, अगर मेरा बॉस मेरे हिसाब से चीज़ें कर रहा है, मेरी टीम मेरे हिसाब से चीज़ें कर रही है तो मैं खुश हूँ. सो जैसे ही मेरा सेंस ऑफ कंट्रोल गया, मेरी खुशी चली गई. सो आई थिंक सबसे पहले तो हमें हैप्पीनेस की डेफिनेशन, यू नो, वी हैव टू स्टार्ट रीडिफाइनिंग दीज थिंग्स. वी हैव टू स्टार्ट रीडिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, पीस. एंड आई थिंक हैप्पीनेस का मतलब यही होता है कि आप पूरी सृष्टि को अपने आप ऑटोमेटिकली चलता हुआ देखते हैं, सो व्हाई कांट यू फील हैप्पी अबाउट इट. आज अगर सूर्य अपने टाइम से आ गया और अपने टाइम से चला गया, चंद्रमा अपने टाइम से आ गए और चले गए, तो व्हाई कांट यू फील हैप्पी अबाउट इट, यू नो. सो दायरा हमने इतना अपना छोटा कर लिया है आजकल दैट हमें एक्चुअल खुशी का आभास होता ही नहीं है. जैसे हम अक्सर, यू नो, अपने डिस्कोर्सेज में और वर्कशॉप्स में बोलते हैं कि क्या आप सुबह ठीक ठाक उठ गए, क्या ये खुशी की बात नहीं है? कितने लोग हैं जो उठ ही नहीं पाते हैं सुबह, या जब उठते हैं तो उनको कोई गलत खबर मिल जाती है कहीं से, कोई मैसेज आया हुआ होता है या कोई फोन आ जाता है, उनका कोई अपना शरीर छोड़ के चले जाता है, क्या ये खुशी की बात नहीं है कि आज आप सुबह उठे और आप सही हैं, आपके आसपास वाले सब सही हैं, क्या ये खुशी की बात नहीं है? सो आई थिंक हमें अब इट इज़ टाइम नाउ दैट वी स्टार्ट रीडिफाइनिंग
and we change the way we have been looking at ourselves, we have been looking at others. एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें अब जहाँ पर हर कोई अपने आप को भी रिस्पेक्ट करे और दूसरे की यूनिकनेस को भी रिस्पेक्ट करे. आई थिंक जब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा महत्व देना शुरू कर देंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि एकदम आपका वातावरण, आपके घर का वातावरण, आपकी सोसाइटी का वातावरण, हमारे देश का वातावरण सब कुछ बदल गया. सो वो सेंसिटिविटी लाना, इन चीज़ों को रीडिफाइन करना. आजकल बहुत बड़े बड़े आप सुबह जब अपना फ़ोन देखते हैं तो फेसबुक पे इतने सारे वीडियोस होते हैं, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस होते हैं और सब पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं. लेकिन मेरा ये आपसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतना सब पॉजिटिव होने के बावजूद भी why is a human being not happy? I think they lack this attitude of gratitude. I think क्योंकि हम सुबह उठ रहे हैं, हमारे सब अंग ठीक हैं, everybody around us is happy. I think we should have that attitude of gratitude. Yes, and gratitude should be a way of life again. Mm-hmm. Like I'm saying, मैंने चर्चा ही ऐसे शुरू की कि हर चीज को एक way of life बनाए, उसको एक exercise ना बनाए. Mm-hmm. आपको मंदिर में जाके 2 मिनट ईश्वर के आगे खड़े होके ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत नहीं है. आई अंडरस्टैंड यू नो व्हेन आई मीट द यूथ एंड आई मीट कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, आई अंडरस्टैंड दैट दे माइट नॉट हैव इनफ टाइम टू गो टू द मंदिर और द मस्जिद और द गुरुद्वारा, यू नो. बट लाइक आई से, व्हाई कांट वी मेक ग्रैटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ? हम हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं दे सकते? हवा के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. सो आई थिंक जब हम किसी भी चीज को एक एक्सरसाइज, एक मैकेनिकल थॉट ना बना के उसको एक वे ऑफ लाइफ बनाना शुरू कर देंगे ना, तो अपने आप ये परिवर्तन आ जाएगा. आपकी इस बात से ना आई एम जस्ट रिकलेक्ट एक इंटरव्यू में एक मैम ने हमें बताया था कि वी स्टे एट अ प्लेस. बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमें एनवायरनमेंट नहीं अच्छा लगता, बट देन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बोली थी, आई कैन कनेक्ट टू इट, कि अगर आप अपनी उसी जगह को थैंक यू बोलना शुरू करोगे कि वाओ थैंक्स फॉर यू गिविंग मी दैट कम्फर्ट, तो वो अच्छी लगने लगती है आपको. समहाउ मैंने लाइफ में प्रैक्टिस किया एंड रियली स्पीकिंग इट वर्कड. तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, आई एम नो वन टू ऑथेंटिकेट ऑन इट बिकॉज यू आर स्पीकिंग द राइट वर्ड. लेकिन हाँ, बिल्कुल सच है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है. बहुत होता है कि मैं लोगों से सुनती हूँ कि अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो हम वो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मटीरियल गेन, वेल्थ, वट एवर इन लाइफ. तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमें इन सब चीज़ों तक पहुँचा सकती है? बिल्कुल पहुंचा सकती है. और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी ड्रीम्स ना रखें, आप अपने डिज़ायर्स ना रखें. इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी आपके ड्रीम्स को जल्दी मैनिफेस्ट करवाती है, डिज़ायर्स को जल्दी मैनिफेस्ट करवाती है. लेकिन यू नो लाइक आई ऑलवेज से दैट स्पिरिचुअलिटी मीन्स लिविंग अ लाइफ ऑफ अबंडेंस, अबंडेंट वेल्थ, अबंडेंट हैप्पीनेस, अबंडेंस इन रिलेशनशिप्स, अबंडेंट इन हेल्थ. तो हर चीज़ में जब हमें अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअल हैं. नाउ वेल्थ इट्स इजी, यू नो मैं भी खुद भी मनी ब्लूप्रिंट की वर्कशॉप्स करती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि पैसा कैसे लिया जाए. लेकिन उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि उस पैसे का किया क्या जाए. जैसे आपने शुरू में ही मेरे से एक सवाल पूछा कि हम अपना पैसा दान देते हैं और यू नो वी शुड बी केयरफुल कि किसको दे रहे हैं और वो पैसा किसके काम आ रहा है. अब आप बताइए कि अगर आपके पास पैसा होगा ही नहीं तो आप समाज कल्याण के लिए कैसे देंगे? सो पैसा कमाना बिल्कुल बुरी बात नहीं होती है. इनफैक्ट मैं खुद कहती हूँ कि जो हमें बचपन से सुनाई दी चीज़ें कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जितनी चादर उतने पैर पसारिए, पैसे वाले बुरे हैं, ज़्यादा पैसा बुरा है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सही नहीं मानती. क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपके पास अबंडेंस नहीं होगी, जब तक आपके पास अबंडेंट हेल्थ नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आपका पैसा उस हेल्थ को ठीक करने में जाएगा. तो हर चीज़ की अबंडेंस को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. और जैसे मैंने बोला, उसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ कि एक सैनिक जो होता है वो सरहद पे किसी को मारता है, और जब वो मारता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, उसको यू नो अपनी बटालियन में उसको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं. लेकिन जब एक साधारण इंसान किसी को मारता है तो उसको जेल मिलती है. तो अब आप बताइए, दोनों में कर्म तो एक ही था, किसी को मारना,
लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था उद्देश्य का, डिफरेंस था अपनी इंटेंशन का. क्योंकि जब एक सैनिक किसी को मारता है तो वो उसको अंदर गिल्ट नहीं होता कभी, उसको ये पता है कि उसका उद्देश्य था और उसने अपने देश के लिए एक दुश्मन को मारा है. तो जब हमारे उद्देश्य बहुत क्लियर होते हैं ना, आज मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पैसा क्यों चाहिए? क्या मुझे किसी को जलाना है? क्या मुझे अपनी गाड़ी खरीद के अपने पड़ोसी को जलाना है? या मुझे उस पैसे से समाज के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए बहुत चीजें करनी है? तो जब हमारा उद्देश्य क्लियर होता है तब हमें ब्रह्मांड से चीजें भी बहुत जल्दी मिलनी शुरू होती है. तभी मैंने कहा कि जब प्योरिटी ऑफ इमोशन होगा, जब पॉजिटिव इमोशंस का संचालन हम अपने अंदर कर पाएंगे तो हम एक अलग फ्रीक्वेंसी पे जीना शुरू कर देते हैं. वेरी वेरी ट्रू मैम. आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशंस, जिस भी इंटेंशन से आप करें. मैम, मैंने आपको देखा है कि आप बहुत ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हैं. सिद्धि इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन. मैम, कैन यू प्लीज़ पुट सम लाइट ऑन दैट? आप बताएंगे कि सिद्धि क्या है? देखिए, सिद्धि 25-26 साल से मैं आध्यात्मिकता में रिसर्च और प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी. मैं भी साधक हूँ. आई ऑल्सो मेडिटेट अबाउट 4-5 आवर्स इन अ डे. लेकिन जब हम और जितने फॉलोअर्स हैं और जितने लोग मुझे समझ पाते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, हम लोग बहुत सालों से जाकर समाज कल्याण के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करते रहते थे. लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और हम इतना कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमने सिद्धि का निर्माण किया और सिद्धि का हमने टैगलाइन दिया पावर्ड बाय ह्यूमैनिटी. मतलब I try and promote humanity as the biggest religion. Absolutely. कि आप किसी भी जेंडर के हैं, आप किसी भी सोशल स्टेटस के हैं, आप आइए और आप जानिए कि किसी कार्य को सिद्ध करना क्या होता है. सो सिद्धि इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर मैंने सारे अपने जो इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स हैं वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन किए हुए हैं. मतलब कि जो यूनाइटेड नेशंस ने 2030 एजेंडा में हमें 17 गोल्स दिए और बोला कि हर एक इंडिविजुअल, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन इन पे काम कर सकता है और इन पे काम करने से हम एक बिल्कुल अलग सोसाइटी, एक अलग नेशन, एक अलग वर्ल्ड देख पाएंगे, तो हमने भी यूनाइटेड नेशंस को अपना उद्देश्य बना लिया. और जो भी सिद्धि के अंडर काम होता है, अंडर प्रिविलेज के लिए काम होता है, विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के लिए काम होता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम करते हैं हम लोग, वो जो भी काम हो उसमें सब लोग इकट्ठा होके, बेशक वो 2 साल का बच्चा है या 70 साल के सीनियर सिटीजन्स हैं, सब लोग इकट्ठा होके और बहुत मज़े में सोसाइटी के लिए काम करते हैं. मैम, अभी मैंने सुना कि आपने बोला कि यू मेडिटेट. आई वुड टू रियली वॉन्ट टू नो वेरी क्विकली हाउ टू, बिकॉज मैं बहुत बारी मेडिटेशन में बैठती हूँ पर हाँ कनेक्ट नहीं हो पाती जितना होना चाहिए. सो कैन आई प्लीज हैव अ लुक ऑफ हाउ टू मेडिटेट? आई वुड रादर लाइक टू टीच यू नॉट टू मेडिटेट बट टू बी मेडिटेटिव ऑल द टाइम. सो अगेन देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अटैच्ड टू मेडिटेशन. पीपल थिंक दैट मेडिटेशन मीन्स यू नो यू हैव टू सिट एट अ प्लेस, यू हैव टू क्लोज योर आईज, यू हैव टू बी इन अ सर्टेन मुद्रा एंड कुछ ओम दिखेगा आपको सामने से, कुछ लाइट गिरेगी आपके ऊपर. यू नो दीज आर मिथ्स विच आर अटैच्ड. इनफैक्ट आई हैव सीन आजकल तो इंटरनेट पे कोर्सेज हैं मेडिटेशन के, करेक्ट? वेल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल. मेडिटेशन मीन्स जस्ट बीइंग योरसेल्फ. मेडिटेशन मीन्स, फॉर स्टार्टर्स, मेडिटेशन मीन्स प्लीज एक्सेप्ट योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर. आपके दिमाग में, दिल में, मन में जो भी विचार आ रहा है उसको आने दीजिए. एक शांत जगह पे बैठ जाइए और जो भी विचार आ रहा है उसको आने दीजिए, लेकिन जाने भी दीजिए. अक्सर क्या होता है ना, ह्यूमन माइंड, चित्त जो है ना, चित्त सबसे ज्यादा खेल खेलता है हमारे साथ. इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि सिर्फ शरीर और सोल के साथ डील करिए, बीच का चित्त भूल जाइए. बिकॉज चित्त क्या है, चित्त हर चीज को बहुत लॉजिक लगाना शुरू कर देता है. जैसे अगर आज मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बात मुझे याद रहेगी 2 दिन, 2 साल, कभी कभी 20 साल भी याद रहती है. सो मेडिटेशन का मतलब है कोई भी विचार आए, अच्छा विचार आए, खराब विचार आए, आने दीजिए और जाने भी दीजिए. यू नो एज दे से दैट इट्स अ रूल दैट व्हाटएवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट. सो फर्स्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर इज मेडिटेशन.
So wow. being in a state of awareness is meditation. Mm-hmm. So there is a eating meditation, there is a sleeping meditation, there is a walking meditation. आप अगर चलते समय अपने पैरों पर ध्यान देंगे कि आप कितने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, यू आर मेडिटेटिंग, आप कभी नहीं गिरोगे. अब लोग अक्सर क्यों गिर जाते हैं, I've seen people, they keep falling, they keep tumbling, you know, mm-hmm. that's because they are not in a state of awareness while walking. What is eating meditation? Means that जब आपके सामने खाना है, आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में यूट्यूब नहीं होना चाहिए, आपको पता ही नहीं लगेगा आप क्या खा रहे हो. आजकल मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को जो है पेरेंट्स यूट्यूब लगा देते हैं और बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं. दैट इज सो रॉन्ग. खाने के साथ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए. यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप. आप देखें पुराने ज़माने में जब आपके परदादा और परनाना और दादा दादी जब खाना लेके बैठते थे तो वो बिल्कुल शांत जगह पे पहले नमस्कार करते थे खाने को. फूड हैज़ टू बी रेवर्ड. ये अन्न है और पहला कोष ही आपका अन्नमय कोशा है. वो अन्न आपका शरीर बनने वाला है. तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप उसको बिना ध्यान दिए हुए कुछ और करते हुए खाना शुरू करोगे और फिर आप कितना खा रहे हो आपको ये भी नहीं पता, क्या खाया ये भी नहीं पता, बस पेट भर गया. सो मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इन अवेयरनेस एंड यू हैव टू बी मेडिटेटिव 24/7. स्लीपिंग मेडिटेशन मीन्स जब आप सो रहे हो, अब सबकी आँख 4:30 बजे खुलती है, राइट? लेकिन 4:30 बजे सब लोग खड़ी देखते हैं, बोलते हैं अरे अभी तो टाइम है, सो जाते हैं वापस. आपका शरीर आपको बताता है कि बस अब सो लिए, बहुत हो गए, आपकी नींद पूरी हो गई. उस टाइम उठ के कुछ और करना, कोई क्रिया करनी, यू नो दैट मी टाइम दैट वी कॉल इट नाउअडेज, व्हाई कम पीपल डू दैट? सो यू शुड स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी. Because your body is a gadget that constantly gives you signals about how much to eat, how much to sleep, how much to think. मेरे पास कितने लोग आते हैं सिमरन और वो मुझे बोलते हैं मैम हम सोच सोच के थक गए. और सोच सोच के थकने के बाद वो सोचना छोड़ते हैं. तो इसका मतलब बॉडी इंडिकेशन देती है कि भैया अब बस करो, अब तो सरदर्द हो गया है, इतना मत सोचो. So our body is not equipped to handle negative emotion, negative food, negative action, negative words. तो जैसे जैसे हम अपने आप को ये awareness में लाएंगे, we are a meditator. अब हम यहाँ बैठे हैं, you should be aware ना कि आप कैसे बैठे हो, आपका posture क्या है, आपके कपड़े ठीक हैं या नहीं हैं. This is meditation. This is sitting meditation. So you mean to say being conscious of whatever you do? Absolutely. And with the positive bent of mind can let you meditate. It is going to change the way the human civilization is behaving. It's a wonderful, wonderful thing. I think this interview has done wonders for me today. Because अब मैं जान चुकी हूँ कि कैसे meditate करना है. And I'm sure मेरे viewers भी ये जान चुके होंगे कि live in the moment and yes, be very conscious कि आप क्या कर रहे हैं. तो शायद आप इस मेडिटेशन लेवल को जीत पाएंगे. तो व्यूअर्स मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि आपको आज का ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा. और अगर लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दिए गए नंबर्स पे, क्योंकि मैं ऐसा इंतज़ार कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी सिद्धि से कनेक्ट हुए. सिद्धि से कनेक्ट होने के लिए उसके नंबर्स यहाँ दिए जा रहे हैं. Please be a part of this civilization. It is changing the world. Why don't you? Subscribe to my channel here. यहाँ पे एक bell icon दिया जा रहा है. और ऐसे और भी videos के लिए आप comment box में हमें यहाँ message भी लिख सकते हैं. So have a good life.